अस्सलाम वालेकुम, क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 तक। कुछ पार्ट आज पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 हम करेंगे। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता ही, प्यारे बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक्सपोनेंशियल, जो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, उनके जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पार्ट है 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 2^0 + 3^0 + 4^0। प्यारे बच्चों, सोल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पहले दोबारा क्वेश्चन, 2^0 + 3^0 + 4^0। प्यारे बच्चों, आप देखना, जिसका भी पावर 0 होगा वो 1 के बराबर होता है। जैसे अगर 100^0, ये भी 1 के बराबर, इसका मतलब है a^0, a कोई भी बेस हो, कोई भी इंटीजर या कोई भी होल नंबर, बेस a और a^0, पावर जो होगा वो 0 होगा, तो वो 1 के बराबर है। ये आप याद रखना। तो 2^0, प्यारे बच्चों, 1 के बराबर, 3 + 3^0 1 के बराबर, +4^0 1 के बराबर। इसी तरह हमने लिखा। अब इस स्टेप की तरफ देखो, 1 + 1 + 1 हो गया 3, 1 + 1 = 2, 2 + 1 हो गया 3। ये आ गया हमारा आंसर। अब पार्ट 7th है, 2^0 × 3^0 × 4^0। क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहां जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन की है। प्यारे बच्चों, इसी तरह सॉल्यूशन में लिखेंगे 2^0 × 3^0 × 4^0। चाहे मल्टीप्लीकेशन की अलामत हो, चाहे डिवाइड की अलामत हो, चाहे प्लस की अलामत हो, चाहे माइनस की अलामत हो, जो भी साइन होगा, लेकिन जो भी ओरिजिनल साइन होगा, लेकिन अगर r^0 किसी का भी, किसी इंटीजर का भी है, वो 1 के बराबर है। तो उसी हिसाब से फिर इसको करना है कि कौन सी ऑपरेशनल साइन है। 2^0 1 के बराबर इंटू 3^0 1 के बराबर इंटू 4^0 1 के बराबर। देखो, यहाँ हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ क्या करना है, जरूर करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 = 1 × 1 = 1। यानी 1 कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो वो 1 ही आता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर आएगा 1। प्यारे बच्चों, आप इस पार्ट की तरफ देखो। आप ब्रैकेट बिगिन, शॉर्ट ब्रैकेट बिगिन, 3^0 + 2^0 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5^0। सोल्यूशन में हम दोबारा लिखेंगे ब्रैकेट बिगिन, जैसे क्वेश्चन है वैसे सोल्यूशन में पहला स्टेप जो है वो ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो हल करना है। ब्रैकेट बिगिन ऐसे लिखेंगे हम, 3^0 के बदले 1 प्लस 2^0 के बदले 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5^0 के बदले 1। यानी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमने चेंज किया है। तो अब देखो, यहाँ ब्रैकेट के दरमियान 1 + 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2, ब्रैकेट यहाँ ही खत्म हो गया, इसका आंसर निकला 1 + 1 = 2 × 1 × 1, 2 × 1 = 2, ये हमारा आंसर आ गया 2। प्यारे बच्चों, इन पार्टों में, इन 6th, 7th और 8th पार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो जिसका भी एक्सपोनेंट पावर 0 है, इसका मतलब हो गया एक्सपोनेंट पावर जिसका 0 है, जिसका पावर 0 है, वो 1 के बराबर होता है, वो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट, 2-3 पार्ट रह गए, वो आप खुद करना। उसमें वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े हैं, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसमें लगते, वो मतलब वो इसके हिसाब से वो आपको हल करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।